हम आज जानेंगे कि धान में लगने वाले कीट और उनका प्रबंधन कैसे करें। अगर हम कीटों की बात करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि बारिश में काफ़ी समय समय पर कभी ठहराव, कभी फिर से बारिश होना, तो इस समय आपका जो खेत में धान के जो फसल है उसमें तना छेदक कीट की प्रकोप होने की संभावना है। तना छेदक कीट का सबसे जो महत्वपूर्ण जो लक्षण जो आपको दिखाई देगा, आपको सूखी हुई सफ़ेद बाली खेत में दिखाई देगी, जो इसका जो मुख्य लक्षण है, और आपको जो उपज है उसमें कुछ नहीं मिलती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई इस समय में ज़रूर ध्यान दें, और इसके लिए मैं कुछ अभी अब हमारे पास में कीटनाशकों का ही एक लास्ट ऑप्शन बचा है जिसका हमें छिड़काव करना है। तो कीटनाशकों में क्लोरोएंटरोल है जो 18.5% ईसी का आता है, अलग अलग नामों से आता है, लेकिन क्लोरोएंटरोल 18.5 ईसी को आप 100 ml प्रति हेक्टेयर या थायोमेथॉक्साम 25 WG 25 WG को आप 150 g प्रति लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड जो पदान के नाम से अलग अलग नामों से आपको मार्केट में मिलता है, उसका 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जरूर इस समय में छिड़काव करें। कहीं पे हो सकता है तो फ्लूवेंडामाइट फेम के नाम से जो मिलती है उस दवा को भी आप 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक छिड़काव इस समय ज़रूर करें, तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। इसके साथ में बहुत सारे जो पत्तियों से या तने से रस चूसते हैं, तने से रस चूसने वाला जो मुख्य कीट जो आपका BPH, जिसको हम ब्राउन प्लांट होपर बोलते हैं, इस आम भाषा में भूरा फुदका के नाम से इसको जाना जाता है। इसके लक्षण यह है कि आप जहाँ पर आपको खेत में अगर किसी पैच में जला हुआ पैच दिखाई देता है पौधों का, तो वहाँ जाकर के अगर उसके पास के पौधों पे देखेंगे तो तने पे छोटे छोटे आपको फुदका दिखाई देगा, यह इसका मुख्य लक्षण है। इस कीट के आगे के नियंत्रण के लिए अभी आपको जो कीटनाशक है उनका छिड़काव इस समय बहुत ज़रूरी है करना, और इसके लिए जो है इसके लिए ट्राईफ्लू मेजोफायरम जो आपको पैक्सालोन के नाम से मिलता है, ये दवा जो 94 ml प्रति आपको 200 लीटर पानी में, या फिर पाइमेट्रोजिन जो चेस के नाम से मिलती है, इस दवा को आप 100 ml, या फिर डाइनोटेफुरॉन जो आपको ओसो या टोकन के नाम से मिलता है, ये दवा भी आपको 120 ml या फिर 10 ml दवा को 100 लीटर पानी में मिला करके किसी एक दवा का छिड़काव आप समय रहते जरूर करें। अदरवाइज आपका क्या होगा कि इस कीट से नुकसान बहुत तेज़ी से आपकी फसल जलती हुई काला काला धब्बा इसके ऊपर में बालियों पे दिखाई देता है। तो इस गांधी के रस चूसने से, और खेत में जैसे ही जाते हैं तो बदबू भी आना, बदबू आती है एक स्पेशल रूप से, तो ये आपके गंदी बग का प्रकोप जैसे ही दूध या अवस्था आती है इसके ऊपर होती है। तो इस जैसे आपको अगर कीट दिखाई देता है तो इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरीफॉस जो 20 EC आता है उसको 20 ml दवा को 10 लीटर पानी में मिला करके, या एसिटाम पायरेट 20 g प्रति 10 लीटर पानी में मिला करके, आपको अगर ऐसा नहीं है तो इमिडाक्लोप्रिड जो कॉन्फिडोर के नाम से मिलता है 1 ml द्वारा 3 लीटर पानी में मिला करके उसका एक छिड़काव ज़रूर करें। अगर आपको आवश्यकता हो तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें अगर प्रकोप ज़्यादा है, तो ये आपके गंदी बग के नियंत्रण के लिए बहुत सहायक होगी।